अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो आपकी ज़रूरी हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो और सेफ हो। पहली चीज़, जब आप किसी डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपसे एक प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, जानना चाहेंगे कि आपने पहले कोई चीज़ों का इस्तेमाल किया है अपने स्कैल्प पर। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको कोई और थायराइड या लिवर या किडनी ऐसी कोई प्रॉब्लम है या कोई लंबा बुखार आपको पिछले कुछ दिनों में होके चुका है, ये इंपॉर्टेंट मेडिकल हिस्ट्री है जिसके लिए वो आपसे पूछेंगे। दूसरी चीज़ है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं बहुत कॉमन जो हमें कराने पड़ते हैं आपके हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, जिसमें कि आपके PTINR और ये सब होते हैं, जो कि वायरल मार्कर्स, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सेफ्टी फॉर बोथ पेशेंट्स एंड द स्टाफ दैट इज़ वर्किंग ऑन योर स्कैल्प। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके स्कैल्प पे कोई डैंड्रफ है या कुछ है तो वो आपको डेफिनेटली क्लीन करना है अपने हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, यानी कि आपको कुछ भी शैम्पू या मेडिकेशन का सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, ताकि आपका स्कैल्प क्लीन रहे, तो वो आपने अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी है। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हैं और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी उन्हें डाई करना पड़ता है, तो कोशिश करिए कि जो लास्ट डाई आप करें अपने बालों को वो कम से कम एक हफ्ते पहले हो हेयर ट्रांसप्लांट के, बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो हेयर ट्रांसप्लांट की, क्योंकि वो स्कैल्प को इरिटेट भी कर सकते हैं। पांचवी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई स्मोकिंग या अल्कोहल की हिस्ट्री है इनटेक की, तो आपको वो अवॉइड करना होगा एटलीस्ट 4 to 5 days प्रायर टू हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि वो आपके हीलिंग टाइम को डिले करते हैं, जो कि हम डेफिनेटली चाहते हैं कि अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो जल्दी से जल्दी आपका स्कैल्प हील हो और आपका रिजल्ट आना शुरू हो। उसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर आप कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशंस वगैरह ले रहे हैं तो वो आपने हिस्ट्री अपने डॉक्टर को पूरी देनी है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप हेयर पैच, जो कि बहुत कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना चाह रहा था लेकिन मैं कर नहीं रहा था क्योंकि ऐसा था वैसा था, तो मैंने इस चक्कर में हेयर पैच लगाना शुरू कर दिया, तो हेयर पैच अगर आप लगाते हैं तो आपने ये इस बात का ध्यान रखना है ज़रूर से कि आप हेयर पैच कम से कम एक हफ्ता पहले हेयर ट्रांसप्लांट के अपने स्कैल्प से हटा दें और उसके बाद से अपने स्कैल्प को रेगुलरली वॉश करें, क्लीन करें, क्योंकि हेयर पैच में जो ग्लू का इस्तेमाल होता है या जो आपके हेयर पैच लगाने की वजह से आपके स्कैल्प पे स्वेटिंग वगैरह होती है उसकी वजह से काफ़ी दाने हो सकते हैं या ग्लू चिपकी रह सकती है, जो स्कैल्प को इन्फेक्शियस करती है, सेंसिटिव करती है टू ऑल द अदर ट्रीटमेंट्स, तो वो पैच आपको हटाना है अपने डॉक्टर की गाइडेंस से और उसके बाद अपने स्कैल्प को क्लीन रखना।